हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, मैं इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से नियोजित शिक्षक अपना सक्षमता परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा कि क्या उसमें करना है, ताकि किसी प्रकार कोई आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और देखिए कि किस प्रकार से ऑनलाइन करते हैं। एक एक स्टेप मैं इसमें बताने वाला हूँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नेट बुक से उपस्थित हूँ। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के फॉर्म आगे कैसे भरेंगे इसे देखिए। सबसे पहले गूगल पर क्या करेंगे, BACB डालेंगे और BACB डालने के बाद एक आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप वहां पर नीचे भी अगर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में आपको लिखा रहेगा कि BACB सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन, ये बात लिखी होगी। उसके बाद ही आप इस पर ऑनलाइन करेंगे। तो आप नीचे स्क्रॉल जैसे ही करते जाएगा, आप यहाँ पर देखिएगा कि लिखा होगा कि BACB सक्षमता परीक्षा, देखिए 2024 नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो गूगल पर देखिए। अब उसके बाद उस पर क्लिक कीजिएगा तो फास्ट जॉब सर्च आपको खुलेगा। फास्ट जब सर्च खुलिएगा तो नीचे उसको आइएगा स्क्रॉल करते हुए। नीचे स्क्रॉल करते समय आने पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हियर टू ऑनलाइन या एप्लीकेशन लॉगिन। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर क्लिक हियर जो अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। ये लॉगिन करने का है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, सबसे पहले कर रहे हैं, तो आपको इस पर लॉगिन नहीं करना है। सबसे पहले नीचे आना है। देखिए नीचे में लिखा होगा रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। जो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट है उसी पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप नए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएगा। आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद वहां पर देखिए ये फॉर्म फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसमें नाम, अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप डालिएगा तो एक OTP आएगा, जिसके माध्यम से पासवर्ड इसमें डालना भी होगा, जनरेट करना होगा। तो अपने से चूज कर पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, जिसके मतलब से आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें नाम हम डालकर आपके सामने दिखाते हैं। इसमें अपना पासवर्ड अपने से चूज कीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। जैसे नाम के पहले @ लगा दीजिए और 1, 2, 3 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई नंबर डाल देते हैं। और उसके बाद मैं डालता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। मैं अपना आपके डालता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि मैंने अपना इसमें डालकर और इसमें जब सबमिट करेंगे तो आपके पास एक OTP का SMS आया। उस OTP के डालकर वेरीफाई जब भी कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से फिर शुरुआती लॉगिन जैसा आपके पास आ जाएगा और लिख देगा सक्सेसफुल। और उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालिएगा, जो पासवर्ड बना है वो पासवर्ड इसमें डालिएगा। और उसके बाद जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए खुल जाएगा। तो मैं इस पर डालकर जैसे देखिए आप इस पर लॉगिन करता हूं तो आपके सामने वो चीज़ खुल जाएगा और मैं उस फॉर्म को आपके सामने दिखाता हूं। जैसे मैंने इसमें डाल दिया और देखिए इस प्रकार से ये खुल गया। अब इसमें क्या क्या आपको डालना है, देखिए आपका नाम है, जेंडर डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिर दोबारा डालना होगा। कैटेगरी आपकी क्या है, कैटेगरी डालना, उसका PDF डालना होगा। जो जाति आपकी है, चाहे OBC है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो अगर आप विकलांग है तो विकलांग वाला भी चीज़ आपको डालना होगा। विकलांग डालने के बाद जो भी PDF है, सारे PDF आपको रखना होगा। उसके बाद ही आप इस पर अपलोड करना चाहिए। वो सारे PDF में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट डालना होगा। आप किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को इस पर लिखना होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर डालें वो पहले से जो है वो आपका दर्ज हो जाएगा इसमें लिख देगा, आपको दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको आधार डालना होगा और आधार का PDF अपलोड करना होगा। फिर माता का नाम, पिता का नाम आपको डालना होगा। उसके बाद इसके नीचे आइएगा था, आपको फुल एड्रेस लिखना होगा। फुल एड्रेस लिखने, एक एक चीज़ आप अच्छे से लिखिए क्योंकि सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड सही से लिखिएगा। अगर आपका सेम परमानेंट कोड है तो इस पर केवल क्लिक कर दीजिएगा तो आपका परमानेंट कोड जो है वो आपका ले लेगा। नहीं तो फिर आप परमानेंट कोड को, एड्रेस को दूसरा भी भर सकते हैं। उसके जब नीचे आते हैं हम लोग तो देखेंगे कि आपको मिलेगा कि टोटल डिटेल्स आप जो भी भरिएगा अच्छे से भरिए। जो शिक्षक का इंफॉर्मेशन है आपको शिक्षक का इंफॉर्मेशन डालना होगा। जैसे आपकी नियोजन इकाई क्या है वो डालना होगा। आप किस नियोजन इकाई में करेंट है वो आपको लिखना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, चूज कीजिएगा तो आपका नियोजन इकाई जो है खुल जाएगा कि किस नियोजन इकाई में आप काम करते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगा कि किस नियम निकाय में आप रहते हैं। 2020 वाला है
है तो 2020 वाला में आपको इसमें चूज करिएगा। तो आप जैसे देखिए चूज मैंने किया, तो चूज करने के बाद खुल गया ना, उसके अनुसार आप सेलेक्ट कीजिएगा और वहाँ पर जहाँ पर आप नियोजन निकाय में पोस्टिंग है उसका वहाँ पर आपको कार्यालय का नाम डालना पड़ेगा दूसरे वाला में। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में लिखा है टाइप ऑफ टीचर, यानी किस प्रकार के हैं टाइप ऑफ टीचर, तो इसमें आपको लिखना होगा। अगर निकाय का है तो निकाय लिखेगा, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट के हैं वो आपको सब्जेक्ट इसमें चूज करना होगा। फिर आता है नियोजन लेटर, जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है, नियोजन लेटर जो मिला है, उस नियोजन लेटर को भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसका संख्या होता है, किस डेट को आपको इशू हुआ है और उसका पीडीएफ अपलोड आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ का इसमें पीडीएफ आपको डालना है, इसलिए सबसे पहले आप पीडीएफ बना लीजिएगा तभी ऑनलाइन कीजिएगा। फिर आते हैं नीचे कि स्कूल यू डायस पर सबका नाम होता है, तो आपका भी उस डायस पर नाम होगा, उसका वर्तमान में जो विद्यालय का यू डायस कोड है आपका, उस यू डायस कोड को आपको डालना होगा जहां पर आप पोस्टिंग है। फिर स्कूल का नाम डालना होगा कि जहां पर आप फिलहाल पोस्टिंग है उस स्कूल का नाम यहां पर लिखिएगा। फिर आता है कि क्लिक्स ब्लॉक में पड़ता है, किस जिले में आप पदस्थापित हो वर्तमान में, ये आपको डालना पड़ेगा। फिर आता है कि तीन जिला का चॉइस आपको डालना पड़ेगा कि तीन जिला कौन कौन सा है जो आपको लेना है। इसमें आपको इसमें सावधानी से चूज कीजिएगा ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना, सोच समझ कर तीन जिला आपको देना पड़ेगा ताकि उसमें आप मेरिट के अनुसार सेलेक्ट होइएगा। फिर जब आता है तो आपका हर एक डिटेल आपका मांगा जाएगा, शैक्षणिक जो आपका क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सब कुछ इसमें, रोल नंबर, किस स्कूल से पास हुए हैं, कौन से ईयर से पास हुए हैं, उस सर्टिफिकेट का पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसमें स्पष्ट रूप से मांग रहा है इंटर का भी और मैट्रिक का है, नेम, यूनिवर्सिटी नेम, स्कूल का नेम, किस बोर्ड से आप पास हैं, कौन से ईयर में पास है, आपका कितना मार्क आया, कितना आपका था, कितना परसेंटेज आया, डिवीजन कौन सा है, और उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, सबका धीरे धीरे आपको पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। पहले मैट्रिक लिया, उसके बाद इंटरमीडिएट, तब ग्रेजुएशन आपका अपलोड यहां पर करना पड़ेगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना। फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद आता है कि आप डीएलएड किए हैं कि बीएड किए हैं, जो भी आप शैक्षणिक यानी ट्रेनिंग जो भी लिए हैं उसका डिटेल इसमें आपको टोटल भरना होगा। अब यहाँ पर देखिए डीएलएड का जो है, आप डीएलएड का किस बोर्ड से पास हुए, कौन से स्कूल में पास हुए, किस ईयर में, फुल मार्क्स कितना आया, कितना परसेंटेज आया, उसका पीडीएफ आपको इसमें अपलोड करना होगा। बीएड हो ना, अगर बीएड डीएलएड के अलावा अदर भी कोर्स किए हुए हैं आप, तो उसका भी इसमें डालना होगा, जैसे एमएड किए हैं चाहे जो भी किए हैं। अब आता है कि आप शिक्षक पात्रता विवरण जो कोर्स है वो डालना होगा, कि आप सीटेट पास हैं तो पेपर 1-2 पास हैं, कि कौन सा पास है या स्टेट पास हैं, तो वो इसमें सारी उसकी रोल नंबर, किस ईयर पास हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कितना क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, ये बात अपलोड करना होगा इसमें। तो सीटेट अगर पास है तो सीटेट, अगर उसके अलावा एस्टेट पास है तो एस्टेट, और उसके अलावा अगर बीटेट पास है तो बीटेट वाला सारा डिटेल्स इसमें आपको डालना होगा। ये सारे डालने के बाद अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा इफिशियंट टेस्ट वाला है तो आप अदर भी इसमें डालकर मेंशन, जैसे हुआ था ना टीचर के लिए साक्षरता परीक्षा, उसका भी आप इसमें डालना होगा नीचे। उसके बाद आपका साइन चाहिए और फोटो चाहिए, इन दोनों को अपलोड कर दीजिएगा पीडीएफ में बनाकर। ये भी पीडीएफ में होगा, इसमें जब प्रीव्यू कीजिएगा, पीडीएफ मतलब आप यहां पर क्लिक कीजिएगा ब्लू पर, तब यहां पर प्रीव्यू कर देख लीजिएगा कि आपका सही भराया हुआ है कि नहीं भराया हुआ है, तब इसे ही आप सेव कीजिएगा। ऐसे सेव मत कीजिएगा क्योंकि सुधारने का मौका आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे सिग्नेचर यहां पर आपको दिखेगा जब आप भरिएगा, तो इसमें सारे सिग्नेचर आपका दिखेगा, प्रीवियस करने पर सब कुछ आपको दिख जाएगा, इसलिए आप उसमें भरने से पहले सावधानी जरूर बरतिएगा और तब उसको सेव कीजिएगा। और सेव करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आपका टोटल भरा जाएगा, आपके पास उसके बाद पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए, यहाँ डाउनलोड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म जो है, अगर आप भर देते हैं तो आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं कि कोई उसमें गलती आपसे तो नहीं हुई है। इस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लीजिएगा, तभी इस फॉर्म को भरिएगा। अगर किसी प्रकार कोई समझ में नहीं आता है तो